आयुष यहाँ तो वीडियो बना सकते हैं, तो तुम अब हम लोग का ट्रैवल खत्म हो गया, भोपाल को कैसा रेट करोगे? बस भोपाल इतना अच्छा है कि मैं उसको बिलॉप नहीं कर सकता और इतना खूबसूरत जगह है, तो से ये लकड़ी का और मिट्टी का बनाया गया है इतना खूबसूरती, हाँ इस चीज़ को हम सब हम बयां नहीं कर सकते। बस तस्वीर के अनुसार से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, सब तो हमारे बोलेंगे तो इसमें बहुत शब्द हमारी कम पड़ जाएगी, जितना मैं बोलूँ उतना कम ही है इस जगह के लिए। ट्राइबल म्यूजियम है ना ये भोपाल का, तो तुम इसको बिहार से बार बार रिलेट कर रहे थे पर एक्चुअली हाँ, तुम बिलोंग करते हो यूपी से। हाँ मैं यूपी से हूँ बट जो यहाँ का जो भी दृश्य है वो बिहार से ही उठ के आई है, जो कि अभी हमें अनुमान है कि बिहार में ऐसा दिखने को मिल जाएगा। अच्छा, जो कि वहाँ का बंदी सिचुएशन में रहते हैं और ये चीज़ें जो बिहार से ही है और छत्तीसगढ़ की तरफ से है। अच्छा, ये टोली देख रहे हैं जब 19वीं शताब्दी में इसी टोली से अच्छा अच्छा जो कि इस चीज़ को, लेकिन ये बहुत साइज में छोटा नहीं है? नहीं, छोटा है बस में वो बड़ा होता था। अच्छा, क्योंकि एक में तो चार बंदे बैठ सकते हैं। अच्छा, और इस चीज़ को दर्शाया गया है फिल्म में भी, कहाँ तो फिल्म में इसको दर्शाया गया है, इस चीज़ में आप तरीका से देख रहा हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो पीपल का पेड़ इसलिए बनाया हुआ क्योंकि जैन का पेड़ रहता था बिहार में। अभी भी बिहार में जो मीटिंग होती है जो कि उसको बोलते हैं संग्रहालय मीटिंग, हाँ हाँ, पीपल के नीचे मीटिंग होती है, उससे पहले गौतम बुद्ध जी पीपल के नीचे बैठ कर वो अपना ज्ञान प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध, तो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे भी एक जगह है जिसको यह दिखाया गया है कि जितने हमें आरामदायक मिले वो पीपल के पेड़ के नीचे मिलता है, जो कि ऐसा पेड़ है हर पल ये ठंडा हवा और छाया ज़्यादा देता है और बहुत से मनुष्य को बैठने के लिए जगह स्पेस इसके देती है, ऐसा चीज़ है। So if you visit Bhopal, do visit the Tribal Museum. It is one of the best places I have ever seen. It is the best museum I have ever seen in my life. And I think this was one of the best spots that I could visit in Bhopal, except for the lake and the ropeway. हम लोग काफ़ी देर से ट्राइबल म्यूजियम ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने का। ऑलमोस्ट हम लोग को एक घंटा हो गया होगा और ये सही में बहुत टेस्टफुली बनाया हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स। और यहाँ हर जगह एक तरह की सेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा कुछ अगरबत्ती हर जगह जला के रखा है जिसके वजह से हर जगह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड यहाँ फॉर सेल का बोर्ड भी लगा है, ये शायद डेकोरेटिव आइटम्स आप अपने घर भी ले जा सकते हैं जो भोपाल वाले हैं, अगर यहाँ पर आए तो कुछ ट्राइबल चीज़ें खरीद सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब देखिए बहुत, मतलब एक कोना भी यहाँ ऐसा नहीं है जहाँ पे, मतलब अंदर जो रूम्स है वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वहाँ की मैं फ़ोटोज़ ही रखूँगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो मैं यहाँ की वीडियो बना रही हूँ। और बहुत ही टाइम लगा हुआ इसको बनाने में, हर जगह एक आर्टिस्टिक फ्लेवर है। बहुत ही बड़ा है, नीचे ऊपर दूसरे साइड में। So from my side, bye for now. Tribal Museum of Bhopal is a must visit, especially for those who are interested in art and culture.